जयपुर में बेस्ट लोकेशन पर इन्वेस्टमेंट करने का सुनहरा मौका। रेरा अप्रूव्ड कॉलोनी, आसान किस्तों पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। सर्व सुविधायुक्त कॉलोनी काशी नगर। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के शाहपुर में पशु क्रूरता का मामला सामने आया था। आपको बता दें यहाँ पे 200 साल पुराना परंपरा है। यहाँ पे पड़वे के दिन हेलों को लड़ाया जाता है, यहाँ पे पहाड़ों को लड़ाया जाता है। इस पूरे मामले की खबर हमने प्रमुखता से दिखाई थी। खबर ये दिखाई थी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी स्थिति में पशुओं को ना लड़ाया जाए, लेकिन यहाँ पे मेला समिति द्वारा ऐसा आयोजन कराया जा रहा था। मेला समिति के अध्यक्ष मनोज चौधरी है। हेलो की टक्कर चल रही थी, इसी दौरान यहाँ पे प्रशासन भी मौजूद था, समिति के सदस्य भी मौजूद थे। भगदड़ मच गई, भगदड़ में कई लोग घायल हो गए, गिर गए, जिसमें से एक गंभीर घायल जिनके सर में चोट आई है, उनको पहले शाहपुर में फिर अब जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहरहाल इस पूरे मामले के बाद प्रशासन हरकत में आया। SP देवीन पंडार, कलेक्टर भव्या मित्तल ने तत्काल एक्शन लिया और शाहपुर थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा को निर्देश दिए कि इन मेला समिति पर FIR दर्ज की जाए, जिसमें करीब 9 लोगों के खिलाफ नामजद शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें मेला समिति अध्यक्ष मनोज चौधरी सहित और भी कई सारे नाम हैं जो हम आपको बता रहे हैं। इसमें शाहपुर पुलिस ने अपराध क्रमांक 690/24, धारा 323, 125, 35, BNS धारा 11, 1 घ पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत केस दर्ज किया गया है, जिसमें प्रमुख नाम है मेला समिति अध्यक्ष मनोज, पिता भागवत चौधरी, इसी के साथ है कन्हैया, पिता गजानंद नवलखे, दिनकर, पिता विष्णु चौहान, सुधीर, पिता नामदेव महाजन, दीपक, पिता संतोष यवले, उमाकांत, पिता सुधाकर पाटिल, गोकुल, पिता ज्ञानेश्वर महाजन, सुनील, पिता कुत्रु वानखेड़े, वासुदेव, पिता वसंता महाजन, सभी निवासी शाहपुर, इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि ये जिले भर में परंपरा के नाम पे यहाँ पे पशुओं को लड़ा जाता है और क्रूरता की जाती है। बहरहाल इस मेले में विधायक अचान जट्टिस भी पहुंची थी, पूर्व विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह भी पहुंचे थे, कांग्रेस नेता अजय रघुवंशी भी पहुंचे थे। इसी के साथ कई सारी जो अब पहाड़ों की टक्कर होने वाली है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि प्रशासन की नजर सख्त है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं। इस पूरे मामले को लेके सोशल मीडिया पर भी वार जारी है, यहाँ पे भी कई लोग इसके पक्ष में और विपक्ष में उतरे हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है, इसको पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, सभी को पालन करना चाहिए। बहरहाल इस पूरे मामले को लेके शाहपुर TI अखिलेश मिश्रा ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। हमारे साथ हमारी खबर को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबर मिले। खबर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर देख रहे हैं उसको फॉलो करें। सुभाष गुर्जर के साथ संजय दुबे, बुरहानपुर। शाहपुर में जो मेले का आयोजन हुआ है, उस मेले के आयोजन को लेकर एक अपराध पंजीबद्ध किया गया है। शाहपुर में अपराध 200 और 112 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। मेले के आयोजकों के खिलाफ उन्होंने जो पशुओं की लड़ाई कराई थी वो जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश का उल्लंघन था। उस उल्लंघन के तारतम्य में यह अपराध पंजीबद्ध किया गया है। कुल 9 लोगों को उसमें नामजद किया गया है और BNS की धाराओं के अतिरिक्त उसमें पशु क्रूरता अधिनियम का भी समावेश किया गया है। जिन लोगों के हेलों की लड़ाई वहाँ हुई थी उनको भी उसमें आरोपी बनाया गया है। अभी उनके नाम बहुत क्लियर नहीं है, जिनके नाम क्लियर होते जाएंगे उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करके माननीय न्यायालय में प्रकरण बाद में प्रस्तुत किया जाएगा।
खानपुर की पल पल की लेटेस्ट खबरों को देखने और सुनने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब।